वेलकम गाइस, स्वागत है आपका क्रोमोर चैनल पे। आज हम बात करेंगे JSE स्टॉक्स में, जिसमें आने वाले हफ्ते में काफी शानदार मूव आ सकता है। लेकिन मैं आप सभी को एक वार्निंग देना चाहता हूँ, निफ्टी अभी रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है, लेकिन आज का जो सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन हुआ इसके वजह से थोड़ी चीजें उतल खतल होगी। मतलब अभी हम प्रेडिक्ट करेंगे आज का मूव जो आया था स्टॉक्स में, लेकिन वो मूव सोमवार को कंटिन्यू करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं भाई लोग, आपको समझना पड़ेगा। वो सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन स्विंग के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है, लेकिन वो NSE ने हेल्ड करवाया था, वो अपने फायदे के लिए करवाया था, वो डाटा मैनेज वगैरह उनका कोई चल रहा था, तो इसकी वजह से। चलिए अपने पहले स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले एक वार्निंग रहेगी, आने वाले हफ्ते में आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी हल्की रखिए, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में इतना नुकसान नहीं उठाना पड़े, मतलब आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। सो बी कॉशियस फॉर मार्केट। सो बात करते हैं, पहला स्टॉक रहेगा पूर्वांकरा लिमिटेड। तो अभी बात करते हैं पूर्वांकरा में ऐसा क्या हो रहा है जो मैंने आपको सजेस्ट किया, आपको बताना चाहता हूँ। यहीं पे ये जोन देख रहे हो आप, ये राउंडिंग बॉटम कितने दिनों का होगा, है मैक्सिमम 10 या 12 दिनों का होगा। ये जो राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी वजह से मैंने आपको ये स्टॉक्स रिकमेंड किया है। और भी एक चीज़ है इसकी, जिसकी वजह से मैंने आपको मतलब ये स्टॉक आपको दिया है, वो है इसका VCP सेटअप। यहाँ पे देख सकते हो, ये बना VCP और ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल चलती गई, एक ऐसी कैंडल बनती, देखो आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसी कैंडल बनती स्ट्रेट फॉरवर्डेड, तो भाई आने वाला मूव उससे भी शानदार रहता था। लेकिन ये थोड़ी एक एक कैंडल बनी, ये भी मूव चलेगा अपने को। यदि मार्केट अपना सोमवार के दिन को काफ़ी अच्छी तेजी के माहौल में रहता है, तो इसमें आराम से भाई सर्किट लग सकता है इस स्टॉक्स में। मेरा मार्क करके लिख लीजिए, पूर्वांकरा लिमिटेड में सर्किट लग सकता है, लेकिन कब, जब मार्केट में थोड़ा अच्छा तेजी का माहौल बनेगा तभी, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट पूरा ग्रीन हो, तो भाई पूर्वांकरा लिमिटेड नीचे भी आ सकता है, इस जोन में ट्रैप्स हो सकता है। आप देख सकते हो यहीं पे, इस जोन में भी ट्रैप हो सकता है, तो आप अपनी एंट्री शार्प बनाए 4:30 को, और स्टॉप लॉस मैक्सिमम 5% का रखिए। स्टॉप लॉस भाई सिस्टम में लगा के रखिए, क्योंकि हर बार देखना, हर चीज़ें देखना, हर बार मतलब हर बार वो ऐप ओपन करना, देखना प्राइस देखना, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, तो सिस्टम में लगा के रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। सो गाइज, अपना अगला स्टॉक्स रहेगा केन्स टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हो यहाँ पे, केन्स टेक्नोलॉजी अपना अगला स्टॉक रहेगा। इसका प्राइस थोड़ा हाई है, लेकिन इसको जो भी मेरे को लगा, मतलब इसमें आने वाला मूव काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप बहुत से लोग होंगे जो इसमें एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि इसका प्राइस टैग ही उतना बड़ा है। एंट्री रहेगी भाई 3242 की, और स्टॉप लॉस रहेगा 2860 का। मैं अभी बात करते हैं इसमें ऐसा हो क्या हो रहा था जो मैंने आपको सजेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन था, ये भी राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन था, लेकिन आप बोलोगे एंट्री तो भाई ये स्टॉप लॉस की आवासी होनी चाहिए थी, लेकिन भाई तब अपनी एंट्री छोड़ गई थी, लेकिन अपनी एंट्री अभी इस जोन पे है। आप देख रहे हो यहाँ पे 3242 का जोन है अभी भाई लोग, ये सबसे बेटर जोन है अपने लिए, क्योंकि ये सबसे सेफ जोन है। यहाँ से हो सकता है ये सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन था, मैंने आपको बोला था ये दिक्कत करेगा अपने लिए आने वाले दिनों में, मतलब सोमवार को ही। तो अभी देखते हैं, अभी इसके ऊपर चला जाता है, मतलब ट्रेड करने लगता है 3300 के आसपास, तो भाई आने वाला मूव काफ़ी शानदार रहेगा इसमें। अब इसमें बुलिश मोमेंटम फॉर्म हो रहा है, बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें पिछले हफ्ते में बहुत अच्छी रैली करी, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने जो भागे हैं ये सिर्फ 2 दिनों से भाग रहा है, मतलब इसमें आने वाले 3-4 दिन अपने हो सकते हैं और अपने को अच्छा रिटर्न मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किया। और VCP पैटर्न तो बन रहा है भाई, यहाँ पे देख रहे हो VCP का, ये बहुत सी गैप अप कैंडल ओपन हुई, कैंडल तोड़ते हुए भाग रही है, तो ठीक है, जो एंट्री बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो अभी बात करते हैं अपने अगले स्टॉक्स के बारे में। सो गाइज, अपना अगला स्टॉक्स रहेगा ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। IIT सेक्टर का स्टॉक्स है, फंडामेंटल भाई थोड़े ठीक ठाक है, काफ़ी शानदार तो नहीं बोल सकते भाई, लेकिन हर थोड़े ठीक ठाक है। IIT सेक्टर भाई अभी बूम सेक्टर नहीं है, क्योंकि पूरा मार्केट ऊपर जाता है लेकिन IIT सेक्टर नीचे आता है, कौन से स्टॉक्स नीचे आते हैं, जो लार्ज कैप IIT स्टॉक्स है वही नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उनमें काफ़ी अच्छी तेजी का माहौल है। और ये अपने स्टॉक्स अपने को काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रहा है, 247 इसकी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस आप 225 का रख सकते हैं, या तो 5% का आप स्टॉप लॉस रखना है। ये राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है, एक क्लियर कट VCP का सेटअप है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से आया है क्लियर कट VCP का सेटअप, ये कंफर्म भाई इस लेवल तक जाएगा, 270 लेवल का है, मार्क कर लो इसको, ये 270 के लेवल के इजी तक चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा थोड़ा, ये जो जोन है यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन जाएगा ऊपर जब भी रैली बनती है। अभी 4 जून को अपने मार्केट के फेवर में आती है इलेक्शन जून के, तो भाई ठीक है, अच्छा मूव आ सकता है इस स्टॉक्स में, आप अपने रडार पे रखें इस स्टॉक्स को। तो अभी बात करते हैं अपने अगले स्टॉक्स के बारे में। सो गाइज, अगला स्टॉक्स रहेगा यूनिवर्सल केबल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज तो सीधा अपर सर्किट लग गया भाई लोग, यहाँ पे आप लोगों को दिखना है, रुको एक मिनट रुको, यहाँ पे देख रहे हो आप,
सीधा 5% का अपर सर्किट लगा भाई। यही चीज़ें होती है जब कोई एक्स्ट्रा सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन था, ये पिछले बार भी हुआ था, लेकिन अपन एक दिन के भरोसे पे इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी तो इसने इतना बड़ा गैप अप दे दिया, मतलब ये टारगेट प्राइस देखो 586 से 516। लेकिन आप बोलेंगे भाई आपने क्यों सजेस्ट किया ये वाला स्टॉक, तो भाई सजेस्ट करने का रीज़न एक ही है, देखो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा था, फिर इसने नीचे आया, लेकिन एक ही कैंडल आई जो सबको तोड़ के भाग गई। ये देख रहे हो आप, वो मैं एक मिनट मार्क कर देता हूँ आपको, इजी हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, ए वाली कैंडल हो गई, ए वाली कैंडल हो गई। तो भाई अभी इसका जो मोमेंटम है वो अभी बुलिश मोमेंटम है, ऐसे 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 जाएगा ये 20 MA। तो भाई इसमें आने वाला मूव काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान भी रखना होगा कि अपना स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि जो सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन था भाई वो मेरे को लगता है थोड़ा दिक्कत करेगा इसे आने वाले हफ्तों में। यदि अपना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पे 616 पे मतलब अपर सर्किट लगा है, तो भाई अभी भी इसका 5 या 10% का अपर सर्किट लग सकता है। अभी आपको एंट्री के मौके मिलते हैं 604 से 610 616 के बीच में, तो आप ज़रूर इसमें एंट्री बताएं। वो काफ़ी आने वाला जो मूव रहेगा उसमें शानदार रहेगा, और अभी 20 MA को सपोर्ट करते जा रहा है, तो अभी ये टर्न अराउंड की सिचुएशन भी फॉर्म होगी, तो आप इसमें जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक भाई काफ़ी शानदार है, टेक्समैको इंफ्रा एंड हाउसिंग। आप देख सकते हो मेरे को सेटअप इसका बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही शानदार है भाई। डब्ल्यू का पैटर्न है, ये बढ़िया पुल बैक है, पुल बैक का सीधा ब्रेकआउट आया है भाई। इससे शानदार क्या चीज़ें हो सकती है शेयर मार्केट में, काफ़ी शानदार मूव है, लेकिन फंडामेंटल भाई उतने ही खराब है। सो भी कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉस 99 का अपना मेंटेन रखिए इसको, कोई मतलब मैं 99 का नहीं रखूँगा, मैं अपना प्रॉफिट तो निकाल कर जाऊँगा, ये भाई मत कीजिए। आप मार्केट को रूल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, आपको आने वाले मूव काफ़ी शानदार मिलेंगे। कुछ नहीं है, चार्ट पे जो भी एक्सप्लेन करना है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये VCB का सेटअप है, ऊपर जा रहा था, ये VCB का सेटअप है, लेकिन एक ही कैंडल आई सबको तोड़ के चली गई। अभी ये पुल बैक आया है, इसका ब्रेकआउट है। इतनी ईजी ईजी चीज़ें हैं, सभी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लगानी है और VCB का सेटअप फॉर्म करना है। तो ठीक है, अभी बात करते हैं अपने अगले स्टॉक्स के बारे में। सो गाइस, अगला स्टॉक्स रहेगा GMR पावर। ये स्टॉक देने का यही रीज़न था मेरा कि आप देख सकते हो ये जो कंसोलिडेटेड जोन है, यहाँ से ब्रेकआउट आया था इसका 52 के लेवल से। अभी इतना बुलिश मोमेंटम में थे कि भाई सीधा 73 को टच करके आया है स्टॉक्स। अभी मैं स्टॉक्स इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा VCB का पैटर्न बनना चालू हो गया है। ये नीचे आ रहा था लेकिन एक कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ इसका, अभी इस लेवल तक 73 लेवल के लेवल तक इजीली चला जाएगा कभी। लेकिन अपने को क्या ज़रूरत चीज़ है, मार्केट में थोड़ा बुलिश मोमेंटम होना चाहिए, मतलब 50-60 पॉइंट्स भी मार्केट ग्रीन में क्लोज करता है तो भाई ये स्टॉक्स इजीली भाग जाएंगे, इजीली भाग जाएंगे। इसी बेसिस पे मैंने आपको GMR पावर स्टॉक्स दिया है, इसकी एंट्री रहेगी 72 की। और स्टॉप लॉस भाई इसमें यही मतलब स्टॉप लॉस इसलिए मेंशन नहीं किया मैंने क्योंकि इसका स्टॉप लॉस भाई 20 MA के नीचे रखिए आप। ये जो 20 MA है इसके क्लोजिंग के नीचे रखिए आप स्टॉप लॉस, मतलब जब भी मार्केट क्लोज होता है 3 बजे, तो आप मार्केट को देखिए 3 बजे इसके नीचे है क्या, इसकी बॉडी होनी चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, आपको वीक और बॉडी पता होनी चाहिए। ये जो है, रुको एक मिनट थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। फिर ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो पूरी लाल रंग की बॉडी है, ये लाल रंग की इसकी बॉडी है, लेकिन ये थोड़ा जो पार्ट आया हुआ है यहाँ पे देख रहे हो यार, ये देखो पूरा का पूरा वीक है, इसमें बॉडी नाप का कोई निशान नहीं है। ये जो ग्रीन कैंडल है तो ये सर्किट वाली कैंडल है, इसकी वजह से इसका बॉडी नहीं है, सीधा वीक है, क्योंकि लिक्विड था उस दिन, कोई बेचने वाला रेडी नहीं था, इसकी वजह से इसको सर्किट लगा था। लेकिन इस स्टॉक्स में आपको एक बार प्यार से बताना चाहता हूँ मैं, ऐसे स्टॉक्स में जब भी मार्केट गिरता है भाई सीधा सीधा 7-8% स्टॉक्स गिरते हैं, जो भी स्टॉक्स में सर्किट लगते हैं। तो थोड़ा अपनी पोजीशन को हल्का कीजिए, नेक्स्ट वीक में आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, आप लोग बहुत लोग डीएम्स आते हैं भाई, आप मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा वीडियो देखा करिए, आपको सभी चीज़ें थोड़ी मतलब मेरे को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आती है वो तो चीज़ है ही, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और वो भी चीज़ बताता हूँ कि मैं स्टॉक कहाँ से उठाता हूँ। आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सिंपली सर्च करना है चार्ट लिंक, चार्ट लिंक VCP स्कैनर सर्च कीजिए, VCP स्कैनर भाई सीधा आ जाएगा। आपको सीधा पहला उठाना है और यहाँ से करना है आपको कैश स्टॉक, क्योंकि निफ्टी 100 तो करेंगे नहीं, उसमें तो अच्छा हुआ था नहीं, तो भाई कर दिया रन स्कैन और ये आ गए अपने लेवल पे। GRP भारत बिजली केस टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको दिया था, आप बोलोगे GRP क्यों नहीं दिया भाई, भारत बिजली क्यों नहीं दिया, आप हमारा प्रॉफिट नहीं करना चाहते। अरे भाई रुको, ऐसी चीज़ नहीं है, GRP क्यों नहीं दिया था वो चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। GRP को देखते हैं अभी, अभी यार ये कहाँ पे आ गए हम, GRP रुको एक मिनट रुको, GRP लिमिटेड सर्च करना था लेकिन अपन तो GRP सर्च कर पड़े, GRP लिमिटेड आप देख रहे हो, चार्ट पे देख लो सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ये देख रहे हो आप वनडे का चार्ट है, अभी भाई इस बीच लेवल के कैसे एंट्री बनेगी आप इस खुद ही बताएं मेरे को,
यदि इस लेवल को क्रॉस कर देता 8,332 को, तो भाई अपन खुद एंट्री इसमें बना लेते, मैं आपको स्टॉक्स सच में सजेस्ट कर देता। लेकिन अभी इसमें एंट्री नहीं बन रहे, तो आपको वही चीज़ें देखनी है यहाँ पे, मतलब स्टॉक्स क्या परफॉर्म कर रहा है और क्या करना चाहता है। अभी आप स्टॉक्स को देखेंगे, स्टॉक को एनालिस करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें पता चलेगी। और जो भी आपको डाउट्स हो, थोड़ा छोटा से छोटा डाउट्स हो, कुछ भी डाउट्स हो, भाई बिंदास पूछे मेरे को, कमेंट सेक्शन में आप बोलूँ, मैं आपको आपको नंबर भी दे दूँगा, कोई बात है नहीं उसमें। JRP लिमिटेड से स्टॉक्स मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एंट्री नहीं बन रही, ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ। नहीं तो बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ स्टॉक्स का नेम देखने आते हैं, उनको बताना चाहता हूँ। आने वाले अच्छे में ये जो मैंने 6 स्टॉक्स दिए उसमें काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़े जो रूल्स है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे, तभी इसमें अच्छा मूव आ सकता है। पूर्वांग करा जो लिमिटेड मैंने स्टॉक बताया तो वो ओपन करके रखता हूँ, मतलब लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा जो भी बीच में से देखेगा। तो ऐसी चीज़ें भाई लोग, आप बने रहिए, आपका सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सा अच्छा रिस्पॉन्स चालू है अभी, मतलब लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, और लोग बोलेंगे कि पिछले हफ्ते का एक स्टॉक था किर्लोस्कर, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। किर्लोस्कर ब्रदर्स, एक मिनट रुकना, ये जो स्टॉक्स का किर्लोस्कर ब्रदर भाई, आपको पता है कितने 4-5 दिनों में 25% का मूव आया था इसमें, अभी इस जोन पे है, सॉरी अभी इस जोन पे है, तो आपको अभी अच्छा मूव मिलता है इसमें, मतलब आने वाला मूव तो काफ़ी अच्छा होगा। ये तो भाई पुल बैक की 2 कैंडल है, जो इस लेवल पे डर गया होगा तो आप निकल सकते हो, मेरा भी मानना रहेगा। अभी 35% चार्ज में बहुत होता है भाई लोग, ये थोड़ा हो सकता है इस लेवल तक आ जाए, फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाए, तो भाई 80% क्वांटिटी अभी निकाल सकते हो आप लोग, और बाकी 20 को भाई 20 MA के साथ जोड़ लो। मतलब जब भी 20 MA के नीचे आए इसकी बॉडी 3 बजे के पास, जब मार्केट ख़त्म होता है, मतलब मार्केट डे में ख़त्म होता है 3 बजे के आसपास, तभी इसको निकाल लेना, बाकी आप बने रहिए किर्लोस्कर ब्रदर में, जो लोग भी बने हैं। तो ठीक है भाई, अभी करते हैं अपने वीडियो का अंत, जो भी मेरे से गलती हो गई उसके लिए भाई माफ़ कर देना, और आपकी जो भी मतलब कोई छोटी से छोटी दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लेना। थैंक यू।